हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। आज गुण संधि के कुछ कठिन शब्द कई एग्जामों में आए हुए हैं, उनको हम देखेंगे। एक अर के नियम पर आधारित होगा और एक ओ के नियम पर आधारित होगा। इससे पहले हमने गुण संधि में ए का नियम पढ़ा था। चलिए शुरू करते हैं, कुछ शब्द लिखता हूं, साथ ही साथ कॉपी पेन लेकर बैठें, और कोई भी अगर डाउट है आपका तो कमेंट बॉक्स में उसे लिख दें। कोशिश ये करूंगा कि वो हाथों हाथ आपके बता दिया जाए, डाउट क्लियर कर दिया जाए। शब्द लिखता हूं। अब शब्द जो है हम ग्रुप में लिखेंगे। किस प्रकार इसे शब्द उठाते हैं हम? ऋतु, ऋतु, ऋतु शब्द में ये रीरी लगा हुआ है। अब एक चीज आपको याद रखनी है, वो क्या है कि जो रीरी होती है ये बराबर है रे के, और रे में भी आधे रे के बराबर है। ये रीरी बराबर आधा रे। अब ऋतु कितनी होती है, तो एक एक शब्द हम उसमें जोड़ेंगे और बनाना सीखेंगे। इसे कहते हैं अर्का नियम। तो एक शब्द है वसंत, इस प्रकार। अब वसंत में अगर मैंने ऋतु जोड़ा तो शब्द क्या बनेगा? वसंत में ऋतु जोड़ना है तो शब्द की संधि जोड़कर क्या बनेगी? अब जो जोड़कर संधि बनेगी, शब्द बनेगा, वो गुण संधि का कहलाएगा। देखिए किस प्रकार से, तय में से ए निकाला प्लस के निशान के जस्ट इधर वाला, और अगले शब्द में से शुरू वाला निकाल लिया रीरी। तो ए प्लस रीरी को जब जोड़ा तो बनता है अर। किस प्रकार? ये ए जो है हमारा, ये इधर आया, इसे प्रेजेंट करता है। तो आप कहोगे कि ये रीरी जो है वो रे को प्रेजेंट करती है, तो ये सिद्ध हुआ कि रीरी बराबर रे। अब शब्द को कैसे लिखते हैं, देखिए। वे से के ऊपर अंक की बिंदी, ते, ये ते में ए गया इधर और ये रह जाएगा ते के ऊपर, इस प्रकार से। तो ये अर का नियम यहां लगा। अगर आप ध्यान से देखो तो ये है आपका रे, ये गया, और ये ए जो है ये ते में है। अगले शब्द को लिखता हूं, देखें। अब ऋतु शब्द में हम जोड़ते हैं वर्षा। क्लियर? वर्षा में जब ऋतु जोड़ूंगा तो यहां शय में से आ निकलेगा, और रिरी में से, ये ऋतु में से रिरी, जब दोनों को जोड़ूंगा तो अर बनता है। चाहे इधर आ हो या ए हो, इधर जाके ये ए बन जाता है। यही गुण का नियम है, बेसिक तरीका है। बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सीखिए, लगभग 100 के आसपास शब्दों को हम पढ़ेंगे। जोड़ेंगे कैसे? वर्षा ऋतु, इस प्रकार से लिखा जाएगा। यहां आ लगा दूंगा तो गलत हो जाएगा। वर्षा प्लस ऋतु, इस प्रकार जोड़ते हैं। अगले शब्द को सीखें। ऋतु में अब जोड़ेंगे हम ग्रीष्म। ग्रीष्म, मैं में से ए और ऋतु में से रीरी, दोनों को जोड़ा तो बना अर, इस प्रकार। अब ये अर जाएगा मैं पे, तो शब्द लिखा जाएगा ग्री आधा शे मैं रे ते के ऊपर, इस प्रकार। अब अगर ध्यान से देखो तो ये चीज क्या लिखी है, तो आप कहोगे ये चीज है कुछ ये, ते पे ऊ और ये रीरी ऊपर रे, और ये रीरी जो था
ये मेरा रे बनाया इधर आकर, तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं? ये कुछ इस प्रकार था, री री प्लस ते प्लस ऊ। ठीक है, अगर आप ये पूछें कि इस शब्द में कहीं अर लिखा है तो इसका जवाब भी है। देखो, गे हलंत रे प्लस बड़ी ई प्लस से प्लस मैं का ए प्लस रे और ते प्लस ऊ। तो अगर ध्यान से देखो तो ये अर है, और यही अर का नियम जब इधर लग जाता है तो इसे ही गुण बोला जाता है, गुण का नियम। अगले शब्द पर लगाते हैं, देखिए, शीत प्लस ऋतु। अब शीत में से तय में से ए निकला, ऋतु में से रिरी निकली, दोनों को जोड़ा तो अर बना। अब ये अर जाएगा तय पे तो शब्द बनेगा शीत ऋतु, इस प्रकार। ठीक, अब ऋतु शब्द में मैं हेमंत जोड़ूंगा क्योंकि एक हेमंत ऋतु भी है आपकी, हेमंत भारतीय परंपरा के आधार पर 6 ऋतुएं हैं और आधुनिक भूगोल के आधार पर 4 ऋतु हैं। वो दो कौन सी बढ़ती हैं? तो एक शिशिर ऋतु बढ़ती है और एक हेमंत बढ़ती है कैलेंडर के आधार पर प्राचीन। यहां तय में से ए निकला और ऋतु में से रिरी निकला, दोनों को जोड़ा तो अर बना। अब ये अर तय पे जाएगा तो हेमंत ऋतु दोनों को मैं कैसे लिखूंगा? हे मैं अंकी बिंदी के आधार पर मैं भी बना सकते हो, यहां ते रे ते ऊ, अब ये रे ऊपर। हेमंत ऋतु को जोड़कर इस प्रकार लिखते हैं। अब इसी जगह अगर मैं लिख दूं शिशिर, क्योंकि तो शिशिर हमारी वो जब बहुत ज्यादा जाड़े पड़ते हैं, शीतलहर वाला जो क्षेत्र होता है वो वाला शिशिर, तो इस प्रकार लिखा जाता है शी शी र शिशिर, शीतलहर प्लस ऋतु। अब दोनों को जोड़ूंगा तो रे में से निकला ए और ऋतु में से निकला रिरी, दोनों को जोड़ा तो अर बना। अब ये अर इधर, तो अगर ध्यान से देखो तो मैं आपसे कहूं कि जब इस शे में से ये शी और शी तो इधर आ गया, जब ए निकाल लिया तो रे कैसा बचा? आधा। और जब यहां रिरी निकाल ली तो केवल तू बचा इस तरह से, और ये रे का ए जो यहां रे आधा रह गया, और ये रिरी दोनों मिलके बने अर, और यहां लिख दो। अब ये ए इसमें मिल गया तो रे क्या हो गया? पूरा। और आधे रे का नियम ये है कि अगले वाले के ऊपर जाता है तो ये चला गया यहां, तो शब्द कैसे लिखा गया? शी शी र तू। अगर इसका वर्ण विच्छेद करो तो रे के बाद में ए आएगा, ए के बाद में फिर रे आएगा, और ये वाला रे रिरी के रूप में बदला है। यहां से आगे देखते हैं, प्रेम धन ऋतु, इस प्रकार। मैं में से निकला ए, ऋतु में से निकला रिरी, दोनों को जोड़ा तो ए बना, ये अर। तो शब्द दोनों को जोड़ के कैसे लिखा जाएगा?
प्रेम ऋतु। ठीक, आगे चलते हैं। अब मैं कुछ शब्द आपको, अभी मैंने दो शब्द रखे और फिर तोड़ा उन्हें, अब एक शब्द लिखता हूं, जैसे शब्द लिखा है मेहरा, यह संधि के रूप में है, मतलब जुड़ा हुआ। इसका विच्छेद क्या करूं? तो देखो, ये अर है में ए होगा और ये ण के ऊपर है रिरी। अब ये ए और रिरी मेरा हो गया अर। अब हो सकता है कि ये अर जो हो वो इससे बना हो, ए प्लस रीरी से, और ये भी हो सकता है कि ये आ प्लस रीरी से मिलकर बना हो। दोनों पॉसिबिलिटी है इसकी। तो अगर पहले वाले नियम को लगाऊं तो मह प्लस ऋण, क्योंकि यहां से निकला ए और यहां से निकला रीरी, तो ऋण का अर्थ तो होता है, मह का अर्थ नहीं है इस शब्द के अनुसार। अगर आप दूसरे शब्द को लगाओ तो शब्द है महा प्लस ऋण, तो अब दोनों का अर्थ है। तो कायदे में मेहरण की संधि होगी महा धन ऋण, इस प्रकार। और सूत्र लगा ये वाला, स्क्रीनशॉट ले लो चाहे नोट करके लिख लो, कैसी लिख लीजिए, वो आपकी टेंशन है, आपका काम है। देवर ये शब्द है, कैसे संधि होगी? एक तरफ जाएगा देव और एक तरफ जाएगा ऋण, इस प्रकार। आगे लिखता हूं, अधम प्लस ऋण दोनों को जोड़ूंगा तो क्या बनेगा? उत प्लस तम प्लस ऋण बराबर क्या? दोनों को जोड़ेंगे तो अधम माने होता है नीच या खराब, ऋण माने लोन या कर्जा। तो शब्द बनेगा आपका, अधम रिरी गया ण के ऊपर, यही रिरी यहां आ जाएगा बस, और ऐसी शब्द जोड़ देना है। ये रिरी इसके ऊपर आ जाएगा और ऐसी शब्द जोड़ देना है। तो ऊ आधत्ते ते में, रिरी इसके ऊपर गया यहां। ठीक है, अब मैं अगर शब्द लिखूं यहां आपके सामने, ऋषि, और ऋषि के शुरू में मैं कुछ शब्द जोड़ता चलूंगा, जैसे क्या कि ऋषि में हमने जोड़ा देव, तो वै में से निकला ए और ऋषि में से निकला रिरी, दोनों को जोड़ा तो अर बना। और क्या है कि ये वही है जो निकला, ये वापस वह में चला जाएगा और ये जो रिरी है वो शय के ऊपर लग जाएगा यहां। ये तो वापस ए में ही चला गया तो शब्द बना देव, और ये रिरी कहां गया? इस जगह, यहां से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से वहां गया। तो शब्द कुछ इस प्रकार लिखा गया, देवर्षि, गुण संधि। अगले शब्द को देखो, अब शब्द है ब्रह्म धन ऋषि। तो मैं से निकला ए और ऋषि में से निकला रिरी, दोनों को जोड़ेंगे तो बना अर।
तो दोनों को शब्द को जब मिलाया तो शब्द बना ब्रह्म ऋषि। ब्रह्म भी लिख सकते हैं, ब्रह्मा भी लिख सकते हैं, उसमें कोई विवादित शब्द नहीं है बहुत ज्यादा। हल तो ब्रह्मन शब्द है वास्तव में, न में हलन्त आके लिखा जाएगा। अब एक चीज और बता देता हूं आपको, कुछ किताबों में ब्रह्मा इस प्रकार लिखा हुआ मिल जाएगा। ये क्या है? ये कंप्यूटर की देन है। जब आधे है में अगला व्यंजन में होता है तो ये मैं इसमें जुड़ जाता है। तो ऐसे ही चिन्ह के साथ आप देखोगे है में यहां न लगा हुआ। अब चूंकि ये है आधा है और न पूरा है तो ये इन दोनों ने ये वाली बनावट बना दी। तो कई बार इस कारण बच्चे चिन्ह शब्द को इस प्रकार लिख देते हैं जो गलत है। आप वर्तनी में पढ़ोगे इस प्रकार से लिखा जाता है। खैर वो यहां का टॉपिक नहीं है। अगला शब्द लिख रहा हूं आपके सामने, सप्त धन ऋषि। सप्त में से ए को निकाला और ऋषि में से रिरी को निकाला, दोनों को जोड़ा तो अर बना। क्लियर है? अब जब दोनों को जोड़ते हैं तो अर बनना है हमारा, यहां जाएगा तय पे, शब्द प्लस ऋषि। ठीक। अब इसे कई बार ऐसे ट्रिक बोल देते हैं, बोले सिर बंधा हुआ और यहां रे मिल जाए तो ये गुणसंधि होती है। ऐसा ट्रिक नहीं पढ़ना है, ये बहुत सारे शब्द मिलेंगे और फिर गलत हो जाएंगे। हाँ बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ोगे तो सही रहेगा। अगला शब्द है साम प्लस ऋचा। अब ऋचा शब्द शब्द इस प्रकार मिलेगा आपको, ऋचा मंत्र के लिए बोला गया है शब्द जो है। मैं से निकला ए, ऋचा से निकला रीरी। ऋचाएं छंद के लिए कही जाती है, जो छंद होती हैं उनका समूह ऋचाएं, वेदों में ऋचा। दोनों को जोड़ा तो अर बना। तो शम में साम रि चा, इस प्रकार साम ऋचा शब्द की वर्तनी देख सकते हैं आप। अब एक शब्द जुड़ा हुआ लिखता हूं, इसकी संधि क्या बनेगी? तो एक शब्द इसमें वैसे ही वेद है और एक शब्द ये चा और ऊपर रे है। अब इस रे को उतार कर नीचे रीरी बना देनी है बस। तो शब्द क्या बना? साम ऋचा, रचा नहीं ऋचा, वेद ऋचा, वेद की ऋचा। साम ऋचा साम वेद के लिए आता है। इस शब्द की संधि क्या बनेगी? कुल ऋषि। तो यहां से बना कुल और यहां से मिला ऋषि, इस प्रकार। अब यहां रह नहीं लगाऊंगा, ये गलत हो जाएगा फिर अगर यहां रह लगाया तो इसके ऊपर। ठीक है, भारत ऋषि, कणव ऋषि, कणव प्लस ऋषि, भारत प्लस ऋषि। आप कोई भी शब्द यहां रख सकते हैं जिसमें ए हो यहां या आ हो। देखिए कणव ऋषि, भारत ऋषि,
आई होप कि ये समझ में आए होगी आपके, ये वाले शब्द जो हैं। आगे चलते हैं। कुछ विवादित शब्द लिखता हूं आपके सामने। जैसे एक शब्द है ये, री णा ऋण, तो बताएंगे इसमें संधि क्या होगी और ये किस संधि का शब्द है। संधि होगी ऋण प्लस ऋण। अब ये वो बालक है जो स्वर के साथ में आराम से पढ़ रहा है, उसके पढ़ने की चीज है ये। जिनको जाना था वो तो गए, जिनको नहीं पढ़ना था वो नहीं पढ़े। अब इसको पढ़ना है वो आराम से फल का इंतजार करो और खाओ आराम से। यहां अगर गुण होती तो अर होता, लेकिन यहां आर लगाए अगर आप देखो तो आर रे आर रे आर, जबकि ये आर का सूत्र गुण का नहीं है। इसको हम वृद्धि का नियम मान के चलते हैं, इसलिए इस शब्द जब बना ना तो ए प्लस ये रिरी तो बना, लेकिन इसने यहां जाके ये आ बन गया इधर। तो इसे गुण के अंतर्गत ना रख के वृद्धि के अंतर्गत रखते हैं। इसी के जैसे शब्द ये हैं, वस्त्रण वस्त्रारण कम्बलारण, ये शब्द आपको देखने के लिए मिल जाएंगे बहुत सारी बुक्स है। ये जलारण दशारण इस प्रकार। तो अगर यहां मैंने आ लिख दिया तो ये वृद्धि में चला जाएगा, और यहीं अगर हमने लिख दिया ए तो ये गुण में रहेगा। जैसे कायदे में शब्द है वस्त्रण, वस्त्र ऋण, जल ऋण इस प्रकार। अब ओ का नियम पढ़ते हैं। कुछ शब्द लगाता हूं ओ के, और बहुत सीरीज के हिसाब से चलेंगे आगे तक। एक शब्द लेते हैं उदय। हाँ, तो ये भी अपने आप में संधि का शब्द है, और ये शब्द बना है उत प्लस ऐसे। ये व्यंजन का नियम है यहां। देखिए, स्वर में उदय जोड़ना है तो शब्द बना, यहां से ए निकला, यहां से ऊ निकला, दोनों को जोड़ा तो अर बना। तो शब्द बना स्वरोदय। अब कायदे स्वरोदय शब्द में दो संधियों के नियम लगे हुए हैं। यहां पे गुण का और यहां व्यंजन का। तो शब्द स्वरोदय में दो संधियां हैं, शब्द में ई की जगह स्वे रे, और हाल तो स्वर शब्द में भी यण संधि का नियम है यहां इसी जगह, तो हाल इसमें तीन नियम लग जाएंगे एक ही जगह। आप इसे इस प्रकार से भी पढ़ सकते हो, क्योंकि वह का नियम जब लगेगा तो सु प्लस अर हो जाएगा। ठीक, अब जब अर निकलेगा यहां से तो यहां से फिर निकलेगा उत, और फिर निकलेगा आय। ये शब्द ये बना हुआ है। धीरे धीरे पढ़ते रहिए, टेंशन ना लीजिए, आगे चलते हैं। अगला शब्द लेते हैं भाग्य, धन उदय। यहां भाग्य में से निकला ए, उदय में से निकला ऊ, दोनों को जोड़ा
तो बना अर, शब्द बना भाग्यो दे। आगे चलते हैं, देखिए महा जोड़ेंगे, अंत्य जोड़ेंगे और सूर्य। तो जब महा में उदय जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा महोदय, अंत्य जोड़ूंगा तो बनेगा अंत्योदय। ये मोदी जी की योजना है, अभी आपने करंट अफेयर में अगर पढ़ी हो तो, योजना दीनदयाल उपाध्याय का स्वप्न था अंत्योदय का। केवल अंत्योदय का मतलब दलित का उद्धार करना नहीं है, हर व्यक्ति किसी भी जाति का हो, अगर वो आर्थिक रूप से पिछड़ा है, सामाजिक रूप से पिछड़ा है, उसका उत्थान करना है। सरकार की ऐसी योजनाएं होनी चाहिए। तो ये स्वप्न देखा था, हाल तो उसमें गांधी जी का भी यही कॉन्सेप्ट है, लेकिन दीनदयाल उपाध्याय हैं हमारे, और वर्तमान में मोदी जी प्रधानमंत्री उसी चीज को आगे लेके चल रहे हैं, और योजनाएं बनी है अंत्योदय के नाम से। तो शब्द है अंत्य प्लस उदय, कि अंत में जो खड़ा है उसका उदय, उसका व्युत्थान, सारा शब्दों का खेल है। अब सूर्य में उदय जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा सूर्योदय, गुण संधि का। आगे देखिए, अब उदय में लगभग हमने चार पांच शब्द जोड़े, अब कुछ नया शब्द जोड़ता हूं। उचित, उचित में नर जोड़ेंगे, बालक, मानव, मित्र, पुरुष, अवसर। नव, बालक, मानव, मित्र, अवसर, और भी बहुत सारे शब्द जोड़ जाएंगे, ऐसा ही नहीं है कि यही जोड़ सकते हैं। पुरुष, नव में उचित जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा नव धन उचित, प्लस के निशान को धन कह देते हैं। तो व में से मिला उ, उचित में से मिला व में से मिला ए, उचित में से मिला उ, दोनों को जोड़ा तो ओ बना। अब ओ गया व पे, तो ने वे ओ चे ई और ते, क्योंकि ऊ तो निकाल लिया यहां, तो केवल ये वाला हिस्सा इधर आ गया। क्लियर। अब बालक शब्द में उचित, बालक प्लस उचित, बालक में से ए, उचित में से ऊ, दोनों को जोड़ा तो बना ओ, बालकोचित, मानवोचित, मानवोचित, मानवो, इस प्रकार चित, मित्रोचित, अवसरो चित, पुरुषोचित, पुरुषो चित, इसी प्रकार से बाकी शब्द बन जाएंगे। चलिए अगले शब्दों को देखते हैं। अब हम उक्ति एक शब्द है जिसका अर्थ होता है कथन या कोटेशन, कोई पंक्ति जब या कोई बात कहते हैं तो उक्ति, उक्त कहा हुआ, उक्ति कथन। उक्ति में शब्द जोड़ रहे हैं समास, लोक, अतिशय, व्यंजन, दर्प। समास, लोक, व्यंजन,
और एक आध शब्द और ले लेते हैं, अतिशय। अतिशय, दर्प। दर्प कहते हैं अहम को या घमंड को। उक्ति माने कथन, किसी ने ऐसी बात कही जो घमंड भरी हुई है, अहम भरी हुई है। अहम, अहम घमंड, घमंड को कहते हैं। उसी का पर्यायवाची है दर्प, जिसे कहते हैं अहंकार। अहंकार, ईगो। तो पै में से निकला ए, उक्ति में से निकला ऊ, दोनों को जब जोड़ा तो ओ बना, तो शब्द बनेगा दर्पो कति। इस प्रकार अच्छे से लिखता हूं थोड़ा सा, दर्पोक्ति। क्लियर है? अब समास में उक्ति जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा समास प्लस उक्ति, ऐसा शब्द जो बड़े शॉर्ट में लिखा गया हो, दो चार शब्दों को एक जगह करके लिखा हो समास। समास का अर्थ ही संक्षेप होता है, आगे पढ़ोगे समास में आप। तो दोनों को जब जोड़ूंगा तो शब्द बनेगा समासोक्ति। समासोक्ति, जो इस प्रकार लिखा जाएगा। अब यहां से वर्तनी लिखने भी सीख रहे हो आप, लोक कोक्ति, व्यंजनोक्ति और अतिशयोक्ति। बहुत से अतिशयोक्ति में आधशय बनाते हैं, वो गलत है। वर्तनी के आधार पे पूरा बनता है, ध्यान देना ये वाली बात पे। आगे चलते हैं। अब एक दो शब्द हैं जिसमें लिखा है उत्पादक। भय उत्पादक, प्रेम उत्पादक, करुणा उत्पादक। भय प्रेम करुणा, भय प्रेम और करुणा देखेंगे। भय प्लस उत्पादक, उत्पादक में भी व्यंजन संधि है यहां, उत् प्लस पादक। पादक लिख सकते हैं, पादन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है यहां। भय प्लस उत्पादन कर दो, भय प्लस उत्पादक कर दो, तो उत्पादक वो उत्पन्न करने वाला, और उत्पादन वो अपने आप में वर्ब हो गई। तो यहां से निकला ए और यहां से निकला ऊ, तो दोनों को जोड़ोगे तो ओ बन जाएगा, तो शब्द बनेगा भय उत्पादक। इस प्रकार प्रेम उत्पादक, इसी के आधार पर जोड़ा जाएगा, प्रेम प्लस उत्पादक। अब अगले शब्द में सूत्र दूसरा बन जाएगा, क्या बनेगा? करुणा धन उत्पादक। यहां से निकला आ और यहां से निकला ओ, जब दोनों को जोड़ा तो बना ओ, तो शब्द बना करुणोत्पादक। इस प्रकार से अगले शब्द को देखते हैं। एक सेकंड, मैं वीडियो देख लूं कि हमारी वीडियो चल रही है या नहीं, तो एक सेकंड का खेद है आपके सामने। जी बिल्कुल चल रही है, और अगर साउंड में कोई दिक्कत होती है या कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बता दिया करो। अगले शब्द को देखते हैं।
भय, प्रेम और करुणा ये क्लियर हो गए। देखिए हम हो गए मोटे और बैठा नहीं जाता। कुछ और शब्द लिखता हूं, उत्कर्ष। उत्कर्ष किसी चीज का ऊंचाई पे पहुंचना या हाई स्थिति, सुपर स्थिति कह सकते हैं, उत्तम कह सकते हो, उत्कर्ष। जैसे चर्मोत्कर्ष, चर्म, रस, प्राण, भाव, आनंद। भाव, प्राण, आनंद और बहुत सारे शब्द जुड़ जाएंगे। देखिए चरम माने हाई, उत्कर्ष विकास करने के लिए, उत्साहन करने के लिए, तो शब्द बना चरमोत्कर्ष। यहां से मिला ए, यहां से मिला ऊ, दोनों को जोड़ा तो बना अर। तो शब्द जोड़ेगा मेरा चरमोत्कर्ष, चरमो तकर्ष। अब यहां से एक चीज सीख लो, एक होती है चरम मतलब हाई या सुपर, और एक होती है चरम इसका माने होता है लेदर या चमड़ा। तो ये होमोनिम का जोड़ा है, इसे लिख लीजिए मोस डाल के। समश्रुति भिन्नार्थक शब्द का भाव, धन, उत्कर्ष दोनों को जोड़ेंगे तो शब्द बनेगा भावोत्कर्ष। प्राण जोड़ेंगे तो शब्द बना प्राणोत्कर्ष। आनंद में आनंदोत्कर्ष। इस प्रकार खुद से जोड़ सकते हैं आप ये, इसलिए मैं बाद में लिख देता हूं। आगे देखते हैं शब्दों को कुछ। कुछ नए शब्द हैं, जैसे एक शब्द हम जोड़ेंगे उत्थान। ग्राम में, दलित में, नगर, ग्राम, जाति, दलित, इस तरह से वर्ग। देखो सीखो, नगर में जोड़ा उत्थान, उ आधा थे आन है। हाल तो उत्थान में भी व्यंजन संधि है, उत्प्लस्थान यहां से, तो नगर में से मिला ए, उत्थान में से मिला ए, दोनों को जोड़ा तो बना ओ, तो शब्द बनेगा नगरो थान। ऐसी ग्रामो थान। अब जातीय उत्थान को समझ लेते हैं। देखिए आराम से समझिए, देखो बढ़िया चीजें आ रही हैं। अब जाति, अब यहां जैसे नगर में से ए मिल रहा था, ग्राम में से ए मिल रहा था, यहां से ई मिलेगा और उत्थान में से मिलेगा उ, तो ये ओ नहीं मिलेंगे, ई और उ मिलके पता है क्या बनते हैं, यू। और ये यण का नियम है, यण संधि का, इसलिए रटंती विद्या फलंती नाहीं। तो शब्द बनेगा जातियु थान। इस प्रकार दलित उत्थान, फिर वही गुण संधि का आ जाएगा क्योंकि ए लिखा है। वर्गोत्थान फिर गुण संधि का बनेगा क्योंकि गे में ए है। इन्हें भी लिख देता हूं,
दलितो थान, वर्गोत्थान, लेकिन यह है जातियुत्थान, यण संधि का शब्द है ये, यहां नियम है। आगे देखते हैं। उर्मी माने होता है लहर, तरंग या वेग। लहर या तरंग, वीची भी कह देते हैं लहर को। अब शब्द जोड़ता हूं, जैसे गंगा, यमुना, सिंधु, वारी, सरयू। अब गंगा में उर्मी जोड़ूंगा तो उर्मी में बड़ा उ बनता है, ध्यान रखें। तो यहां से मिला आ और यहां से मिला बड़ा ऊ, दोनों को जोड़ा तो अभी तक ए निकल रहा था, अब ये बड़ा आ है। अभी तक इधर से छोटा ऊ निकल रहा था, ये बड़ा ऊ है। तो चाहे बड़ा हो या छोटा हो, ऊ बनता है और आब से मिलकर बनता है ओ। अब ये ओ जाएगा गे के ऊपर तो शब्द लिखा जाएगा गंगो, इतना हिस्सा इधर रमी, गंगोर्मी, ऐसे ही यमुनोर्मी, यमुनोर्मी, इस प्रकार। लेकिन सिंधोर्मी नहीं होगा क्योंकि यहां से ए निकलेगा तब गुण बनेगी। यहां तो ऊ है, यहां ई है, यहां ऊ है। अब ये तीनों शब्द यण के हैं। ये वाला बैठेगा आपका दीर्घ का, सिंधु प्लस उर्मी, ऊ मिल जाएगा। ये भी दीर्घ का बैठेगा, ये बैठेगा यहां का। ये है आपका दीर्घ और ये दीर्घ और ये दोनों गुण। देखिए, कैसे बैठेगा ये दीर्घ का, तो सिंधु में से ये ऊ निकला, उर्मी में से ये ऊ निकला, दोनों को जोड़ा तो ये बड़ा ऊ बना, जो दीर्घ का नियम होता है, पिछली वीडियो में पढ़ा था हमने भी। तो सिंधुर्मी, वारी में से ई निकला, उर्मी में से बड़ा ऊ निकला, दोनों को जोड़ा तो बना यू। अब ये पे बड़ा ऊ, तो शब्द कैसे लिखा जाएगा देखो। आया दिमाग में कैसे लिखा जाएगा? वा, अब रे पे से जब ई उतार ली तो ये यहां गई, तो ये रे किस पे जाएगा? अगले वाले के ऊपर। देख लेना शब्द कैसे लिखा है, वारियोर्मी, वे प्लस आ प्लस रे प्लस ये प्लस बड़ा ऊ प्लस रे प्लस मैं प्लस ई। ठीक, आगे देखते हैं। यण संधि का शब्द था, अब सरयू में जोड़ते हैं। सरयू नदी है, यूपी में बहती है। अयोध्या इसी के नदी के तट पे मिलेगा आपको। सरयू प्लस उर्मी, दोनों ऊ जोड़े बड़े ऊ, तो बड़ा ऊ बना, दीर्घ संधि का शब्द बना, चौथा सूत्र बना, तो शब्द बना सरयूर्मी। और वीडियो अच्छी लग रही होगी तो इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।
अच्छा लगे तो कुछ और शब्द लिखता हूं। देखें, ऊर्जा, ऊर्जा। अब ऊर्जा के शुरू में आप शब्द लिख सकते हो। देखो, पवन, सूर्य, तो शब्द में आएगा सौर ऊर्जा, नाम सुना होगा आपने। नव, वीर, बल और बहुत बहुत सारे शब्द इसी में जुड़ जाएंगे। देखिए, पैवेन प्लस ऊर्जा, यहां से निकला ए, यहां से निकला बड़ा ऊ, दोनों को जोड़ा तो ओ बना, पे वे ने ओ, रजा, पवन ऊर्जा। ऐसे ही सूर्य ऊर्जा, इस प्रकार नव ऊर्जा, वीर ऊर्जा, बल ऊर्जा। प्रैक्टिस करते रहिए। कुछ और शब्द लिखते हैं। देखें, उष्ण प्लस उष्ण, दोनों को जोड़ूंगा क्या बनेगा, मरण प्लस उन्मुख, पुष्य, या पुष्य कह रहा हूं, पुण्य कर लेते हैं इसे, पुण्य प्लस उदय, क्षीर प्लस उदधि, उष्णोष्ण, मरणो नमुख, उन्मुख में उत प्लस मुख हो जाएगी, यहां व्यंजन लग जाएगी, पुण्योदय, यहां भी व्यंजन है, उदधि में उत प्लस अधि, ये भी व्यंजन का नियम लगा हुआ है, उत प्लस अय, ये भी व्यंजन का नियम है, उत प्लस मुख, ये भी व्यंजन है। तो शब्द बना क्षीर रोदधि, क्षीर रोदधि। शंकर जी की स्तुति में आपको ये शब्द मिल जाएंगे और एग्जाम में तो आपके आते ही हैं। और गुण के हमने तीनों नियम पढ़े हैं, जैसे ए या आ जब इधर जाएगा किस पे, ई या बड़ी ई पे तो ए बनाएगा, ऊ या बड़े ऊ के साथ जाएगा तो ओ बनाएगा, और रीरी के साथ जाएगा तो अर बनाएगा। ये तीनों नियम गुण के हैं और ये तीनों नियम हमारे क्लियर हुए। गुण संधि समाप्त हुई, इसके बाद में वृद्धि, यण और अयादि बची हैं, उनकी वीडियो का इंतजार कीजिए। और जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर देना, और चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेना, और अभी नहीं किया है और अगर अभी करने का मन नहीं है तो बाद में कर लेना, कोई जल्दी नहीं आ रही। देखते रहिए, खुश रहिए और अपना बहुत 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 ख्याल रखिए।